नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज सेंटर पे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी प्रेसिडेंट के ऊपर सीरीज चल रही है, इसको हम लोग रेगुलरली वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो उसी का पार्ट जो तीसरा पार्ट है आज हम उसको लेके आने वाले हैं। तो मेनली हमने दो वीडियो ऑलरेडी कवर कर रखी है, जो कि पहली है कि सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल कैसे होता है, दूसरी की जो प्रेसिडेंट होती हैं उसकी पार्डनिंग पावर्स क्या होती हैं, और आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास क्या स्पेशल पावर होता है जिसका वो यूज़ करता है जब वो बिल कोई भी बिल पास किया जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे लोकसभा, आपको पता है कोई भी बिल जब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उसको साइन ना कर दे, तो कोई भी बिल अगर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या उसको वो मंजूरी देगा, उसको चाहे तो हटवा दे, व्हाटएवर जो भी उसके दिमाग में है, उस सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में इस वीडियो को जानने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। तो इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है स्पेशल पावर्स प्रेसिडेंट की। तो दोस्तों, एक सवाल था कि आप सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट के पास जब पार्लियामेंट के थ्रू, दोनों हाउसेस के थ्रू बिल पास होकर के आएगा, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या क्या कर सकता है उस बिल के साथ। पहला ऑप्शन, मंजूरी दे दो यानी कि असेंट दे दो। दूसरा ऑप्शन, मंजूरी ना दो यानी कि असेंट को विदहोल्ड कर लो। तीसरा ऑप्शन कि वो बिल को वापस कर दो पार्लियामेंट को कि दोबारा से विचार विमर्श करें और अगर चाहे तो फिर पास करें या फिर उस बिल को ड्रॉप कर दे। चौथा ऑप्शन, उस बिल पे कोई निर्णय ही ना लो। तो हम पहला ऑप्शन डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि है एब्सोल्यूट वीटो। तो दोस्तों, जो पहला स्पेशल पावर यानी कि स्पेशल वीटो है प्रेसिडेंट के पास, वो कौन सा है? तो वो है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वो अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है यानी कि अपनी मंजूरी को रोक सकता है, वो मंजूरी नहीं देगा बिल को जो उसके पास पेश किया जाएगा। जनरली प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसकी अस्तित्व रूलिंग पार्टी पर ही डिपेंड कर रही है। तो ऐसे दो केसेस हैं जहां दोस्तों ये प्रेसिडेंट जनरली ये विदहोल्डिंग ऑफ असेंट एक्सरसाइज करता है, एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज करता है। पहला केस वो है जब वो एक गवर्नमेंट बिल ना हो। गवर्नमेंट बिल मतलब कि कोई मंत्री जो कि रूलिंग पार्टी का है वो उस बिल को पास नहीं कर रहा, वो उस बिल को इनिशिएट नहीं कर रहा पार्लियामेंट में। किसने इनिशिएट किया? किसी प्राइवेट मेंबर ने उस बिल को इनिशिएट किया, जिसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर कौन हो सकता है? जो कि रूलिंग पार्टी का मंत्री नहीं है। वो कौन है फिर? वो प्राइवेट मेंबर है, जनरली अपोजिशन पार्टी का ही होता है। तो अपोजिशन पार्टी का बिल अगर गिरना होता है प्रेसिडेंट के पास जाकर के, तो गिरने का पूरा चांस है, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट अपना असेंट जो है विदहोल्ड कर सकता है। दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस ये है, मान लीजिए पार्लियामेंट के थ्रू बिल पास हो गया और पास होने के बाद जो एक पीरियड है जिसके बीच में पास होने के बाद पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास वो बिल, उसके दौरान अगर मान लीजिए कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया यानी कि रूलिंग पार्टी ने रिजाइन कर दिया, तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है जनरली क्या कर सकता है? उस असेंट को विदहोल्ड कर सकता है यानी कि उस बिल को मंजूरी नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट अब लायबल नहीं रहा रूलिंग पार्टी को, प्रेसिडेंट का कोई कनेक्शन नहीं रहा रूलिंग पार्टी से, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में आ गया और किसी भी तरीके का ये कह लीजिए कि इफेक्ट नहीं डाल सकती अब रूलिंग पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दूसरे नंबर पर। क्या है वही एग्जांपल्स? आप देखोगे कि 1954 में जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक बिल को विदहोल्ड किया था जो कि था पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल। पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल को इन्होंने विदहोल्ड किया था। अब इन्होंने जो विदहोल्ड किया पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल को, तो वो बिल पास हो नहीं पाया। ठीक है, दूसरा जो आता है वो है 1991 में एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था आर वेंकटरमन ने भी एक बिल को जो है, जो कि सैलरी से रिलेटेड था, अलाउंसेस से रिलेटेड था, पेंशन से रिलेटेड था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उस बिल को उन्होंने विदहोल्ड किया। इस बिल को विदहोल्ड करने की एक बड़ी वजह ये भी थी क्योंकि जो लोकसभा थी ना, डिजॉल्व होने से एक दिन पहले ही इस बिल को पार्लियामेंट से पास करवा के निकल चुकी थी, यानी कि डिजॉल्व हो चुकी थी। तो लोकसभा खत्म हो गया था, उसका टेन्योर खत्म हो गया था, और उसके एक दिन पहले ही, खत्म होने से एक दिन पहले ही बिल पास किया गया था। तो जब प्रेसिडेंट के पास एक पहुंचा तो प्रेसिडेंट ने इसको क्या कर दिया? विदहोल्ड कर दिया और इस बिल को मंजूरी नहीं। और जो दोस्तों, जो दूसरा स्पेशल पावर जो प्रेसिडेंट को दिया गया है वो है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि अगर राज्यसभा से, लोकसभा से कोई बिल पास होकर के आ रहा है, तो अगर प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो अगर वो उसके पास सस्पेंसिव वीटो का यूज़ करता है, इसका मतलब क्या है? वो इंस्ट्रक्शन देता है कि इस जो बिल आप मेरे पास आया है उसको आप लोग रिकंसिडर करिए, चाहे वो लोकसभा का मेम्बर हो चाहे राज्यसभा
राज्यसभा के मेंबर्स को बोलते हैं आप इसे रिकंसिडर करिए और जो इसमें रिक्वायर्ड चेंजेस है आप करिए ताकि और बेटर हो सके। तो अगर वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि या हाँ सही में जरूरत है तो वो चेंजेस करते हैं, बट अगर नहीं लगता है कोई जरूरत नहीं है तो उस बिल को वो दोबारा भेजते हैं वापस प्रेसिडेंट के पास विद एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उसको इस पर मंजूरी देनी ही पड़ेगी, उसको पास करना ही पड़ेगा, वो वापस से रिकंसिडरेशन के लिए नहीं कह सकता। और अगर यही चीज अगर अमेरिका में हो तो, अगर यही जो पावर है अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट यूज करे तो उसमें एक डिफरेंस है, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है जनरली यहाँ पे जो ये वीटो यूज़ किया गया उसको हम लोग सस्पेंडिव वीटो कहते हैं इंडिया में, बट अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट यूज़ करा तो उसको हम लोग क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस हम लोग समझते हैं एक्चुअली में है क्या, तो इसमें ये डिफरेंस है कि अगर मान लीजिए वहाँ से उसके पार्लियामेंट से पास होकर क्या रहा है प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट उसके पास आया, उसने कहा भैया ऐसा है आप इसको रिकंसिडर करो, बट मेन डिफरेंस यही शुरू हो जाता है जब वो रिकंसिडर करते हैं, जब दोबारा वापस भेजते हैं तो उनके पास शर्त ये है कि जब आप दोबारा वापस भेजेंगे तो पिछली बार के मुकाबले इस बार आपके पास ज़्यादा मेजोरिटी होनी चाहिए तभी वो बिल पास होगा, ना वरना बिल वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। तो इस केस में जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का उसके पास ज़्यादा पावर। तो दोस्तों तीसरा स्पेशल पावर है या जो स्पेशल वीटो है जो तीसरा नंबर पे है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का क्या मतलब है भाई, ना मंजूरी देंगे ना कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, जो बिल आया उसको जेब में रख लिया। जेब में रखने का क्या मतलब है, कोई उस पर डिसीजन फाइनल डिसीजन नहीं ले रहा प्रेसिडेंट, उसको रखे हुए है, उसके बिल को पेंडिंग रखे हुए है, ना असेंट दे रहा है ना विदहोल्ड कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। ऐसे केस में क्या होगा भाई, ऐसे केस में ये होगा कि बिल के ऊपर कोई भी आगे की कार्रवाई हो ही नहीं पाएगी, रिकंसिडरेशन के लिए भेजता तो कुछ हो भी पाता, इस केस में कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप देखोगे कि जो US का प्रेसिडेंट है और जो इंडिया का प्रेसिडेंट है इन दोनों के जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि जो ऐसा बोला जाता है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसकी पॉकेट बड़ी है इन कंपैरिजन टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि एक बार इंडियन प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो लगाया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है कि इतने टाइम में ही आपको उसको वापस भेजना है या फिर उसको असेंट देना है, जबकि US के प्रेसिडेंट को टाइम लिमिट दी गई है कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको उस बिल को वापस भेजना है, या तो असेंट के साथ या उसको विदहोल्ड करके कुछ ना कुछ आप उसको एक्शन जरूर लेना है। तो इसलिए बोलते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट का जो है पॉकेट बड़ा है। अब देखिए क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था प्रेसिडेंट जेल सिंह, इन्होंने 1986 में पॉकेट वीटो एक्सरसाइज की थी। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेसिडेंट जेल सिंह ये 1986 में एक बिल को पॉकेट वीटो कर देते हैं, यानी कि उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। उस बिल का नाम था इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। में था क्या, कुल मिलाकर के आप ये समझिए इस बिल का मेन मुद्दा था कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है कर्ब कर दिया, यानी कि जो प्रेस की आज़ादी है बोलने की या फिर स्पीच देने की, ओपिनियन देने की, उसे कर्ब कर दिया, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ प्रेस को हटा रहे हो। और जब क्रिटिसाइज किया गया तो आप देखो कि प्रेसिडेंट जेल सिंह ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इस बिल को ना विदहोल्ड किया ना ही उसको असेंट दिया। थोड़े टाइम बाद 1991 में आप देखोगे, या फिर यू बोलो कि 1989 में आप देखोगे, एक प्रेसिडेंट आते हैं जिनका नाम था प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन ने इस बिल को जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था पॉकेट वीटो के तहत उसको वापस भेज दिया पार्लियामेंट को कि आप इसको रिकंसिडर करिए। अब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई, पहले जेल सिंह के टाइम पे राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, इस बार गवर्नमेंट चेंज हो गई, इस बार आ गई नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस बिल को ड्रॉप कर दिया जाए, इस बिल पे भी आगे वो कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते, कोई विचार विमर्श करना नहीं चाहते, और इस तरीके से बिल ड्रॉप हो गया। हालांकि आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्रेसिडेंट जेल सिंह ने अपना पॉकेट वीटो एक्सरसाइज किया। हाँ, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, जब मनी बिल की बात आती है ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो बिल्स के लिए वीटो की पावर है ये सब हमारे थी ऑर्डिनरी बिल के लिए, लेकिन जब मनी बिल की बात आती है तो मनी बिल केस में प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब एक मनी बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, उसके पास दो चॉइसेस हैं। पहला चॉइस क्या है, आइदर टू गिव द असेंट, या तो मंजूरी दे दो, और टू विदहोल्ड द असेंट, या तो उसकी मंजूरी ना दो, लेकिन आप उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते या फिर उसको आप लंबे टाइम तक रख नहीं सकते, आपको या तो मंजूरी देनी है या नहीं देनी है। नॉर्मली प्रेसिडेंट मंजूरी दे देता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब मनी बिल को लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है तो वो प्रेजेंट करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लगती है, ठीक है, परमिशन लगती है प्रेसिडेंट की, तभी वो बिल पेश किया जाता है। तो जनरली मनी बिल को जो कि गवर्नमेंट बिल का एग्जांपल है
उसको मंजूरी मिल जाती है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करना ना भूलें। आपका हर एक शेयर काउंट करता है हमारे लिए। और अपने फ्रेंड्स को बताएं इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। लेफ्ट और राइट में आपको दो वीडियोज मिल रही होंगी, इनको भी आप टैप करके और इंटरेस्टिंग नॉलेज गेन कर सकते हैं। बने रहिए नॉलेज सेंटर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।